हेलो गाइस, आप सब ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम आपके लिए स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं। आज हम करारे और चटपटे करेले बनाएंगे। करेले बनाने के लिए मैंने आधा किलो यहाँ करेले लिए हैं। उनको अच्छे से मैंने 2 से 3 बार पानी से धो लिया है। अब हमने ये करेले का जो ऊपर वाला छिलका है इसको उतारना है हमने। इस डंठल को आगे पीछे से उतार लेते हो तो करेले कड़वे बनते हैं, तो हमने इस डंठल को आगे पीछे से उतारना नहीं है। एक एक करके सबके छिलके हमने उतार लेने हैं। मैंने सारे करेले में से छिलके अच्छे से उतार लिए हैं और अब हमने करेले के सेंटर में से इसको कट करना है। इस तरह चाकू से हमने इस तरह करके हमने कट करना है करेले को। देखो बिल्कुल कच्चे करेले हैं, इनमें बीज बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह करके हमने सारे करेले को सेंटर में से काट लेना है। करेले में बीज भी होता है तो बीज को हमने पहले निकाल लेना है। सारे करेलों को मैंने बीच में से काट लिया। अब हमने क्या करना है, इन हमने एक एक करेला करके सब में नमक भरना है। थोड़ा थोड़ा नमक आप सब में भर दें और हम 2 से 3 घंटे के लिए इनको नमक लगा कर रख देंगे। इसमें जो कड़वापन है वो सारा निकल जाएगा। मैंने सब करेलों में नमक लगा दिए। 2 से 3 घंटे हमने इसे नमक लगा कर छोड़ देना है। नमक लगाने से करेले में जो भी कड़वापन होता है वो निकल जाता है। करेले को नमक लगे 2 घंटे हो चुके हैं। अब हमने करेलों को बाउल में डालना है और पानी में हमने इनको अच्छे से 2 से 3 बार धो लेना है। जो भी इसमें कड़वापन है वो सारा पानी से निकल जाएगा। हमने कम से कम इनको 3 बार पानी से अच्छे से धोना है। अब हमने एक एक करेले को उठाना है और इस तरह अच्छे से पानी निकालना है। हमने इनमें से दबाकर हमने करेले में जितना भी पानी है सारा हमने निकाल लेना है करेले में से। करेले में बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। जब आप दोनों हाथों से प्रेस करते हो करेले को तो करेले में से सारा पानी निकल जाता है, कड़वा पानी होता है जो इसमें। हमने सारे करेले में से अच्छे से पानी निकाल लिया है तो अब हम मसाले तैयार करते हैं जो हम करेलों में डालेंगे। 1 चम्मच लूंगी मैं नमक, आप अपने स्वाद अनुसार नमक ले सकते हो। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं करेले बना रही हूँ और इतने बढ़िया और स्वादिष्ट करेले बनते हैं, आप एक बार इसे ज़रूर बना कर देखें। हमने एक करेले को उठाना है और हमने इसके अंदर मसाला भर देना है। इस तरह करके पूरे करेले में हमने मसाला लेना और इस करेले के अंदर भर देना है। ये थोड़ा थोड़ा करके सभी करेलों में इस तरह करके हमने सारे करेलों में मसाला भर देना। ये करेले बिल्कुल कच्चे थे, इनमें बीज बिल्कुल भी नहीं था। अगर करेले के अंदर बीज हो तो उसे आप पहले निकाल लें। मैंने सारे करेले में मसाला भर लिया है। जो बचा हुआ मसाला है इसे भी हम यूज़ करेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगी। करेले बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली और गैस को कर दिया ऑन। एक कड़छी इसमें ऑयल डालेंगे, आप अपने हिसाब अनुसार ऑयल डाल सकते हैं। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म करना है। जितना भी ऑयल में कच्चापन है वो अच्छे से गर्म करने से वो निकल जाता है।
तो हमने अच्छे से इसको गर्म करना है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हमने करेलों को इस कढ़ाई में डाल देना है। आपने करेलों को आराम आराम से हिलाना है और बिल्कुल भी करेलों से मसाला नहीं निकलेगा, और मीडियम आंच पे आपने करेले बनाने हैं, आंच को आपने हाई नहीं करना। हम एक प्लेट से करेलों को ढक देंगे और बीच बीच में से हमने इन्हें हिलाते रहेंगे। अब हम करेले को चेक कर लेते हैं। हमने आराम से करेले को पलटना है, आराम आराम से करेले को पलटना है। एक एक करेले को हमने इस तरह आराम से पलट लेना है। हमने सारे करेलों को पलट दिया दूसरी तरफ से, तो अब मीडियम आंच पे हमने इधर से भी इनको पकाना है। हमने तब तक करेलों को पकाना है जब तक ये बिल्कुल पककर तैयार ना हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं करेले। अब हम इसे दोबारा ढककर रख देंगे और मीडियम आंच पे हमें इन्हें पकाना है। अब हम करेले को चेक करते हैं, बढ़िया तरीके से करेले बन रहे हैं। करेला बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, जहाँ से भी आपको कच्चा दिखे आप उसी तरफ से इसको पलट लें। हल्का हल्का हमने इसको प्रेस कर लें और बस 2-3 मिनट और लगेंगे, करेले पककर तैयार हो जाएंगे। पकने से थोड़ा मुश्किल लगे तो आप इस तरह चिमटे से पकड़ के भी इसको पलट सकते हो, इस तरह करके जहाँ से भी आपको करेला कच्चा लगता है उसको पलट दें आप। करेले बन रहे हैं उधर से, इतने में हम प्याज काट लेते हैं। ये 7 से 8 मैंने प्याज लिया, आप अपने हिसाब से प्याज ले सकते हो, जितने भी आपको प्याज डालने हैं। तो इस तरह करके हमने प्याज को उठाना है और हमने पतले पतले, बिल्कुल पतले पतले इस तरह प्याज हमने काट लेने हैं। अब हम करेले को चेक कर लेते हैं। करेले बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं, देखो कहीं से भी कच्चा करेला नहीं। अब हमने इनको एक प्लेट में निकाल लेना है, इस तरह करके सारे करेले हमने प्लेट में निकाल लेने हैं, ले कच्चे नहीं है। और सारे करेले बनकर तैयार होंगे, देखो एक भी करेला कच्चा नहीं है। हम प्याज बनाएंगे तो एक चम्मच डालूंगी मैं देसी घी, आप ऑयल भी डाल सकते हो, ऑयल को डालो फिर उसको अच्छे से गर्म करो। और मैंने यहाँ 7 से 8 प्याज लिए, आप अपने हिसाब से प्याज ले सकते हैं। अब हमने प्याज को इसमें डालना है कढ़ाई में और अच्छे से हिलाना है। हमने 3 से 4 मिनट तक प्याज को पकाना है। और ये जो मसाला बचा हुआ था हम प्याज में डाल देंगे, अगर आपको कम मसाला लगे तो आप मसाला और भी डाल सकते हो। को हमने अच्छे से प्याज में मिक्स कर दिया है, अब हम 5 मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे और मीडियम आंच पे हमें इन्हें पकाना, और बीच बीच में आप इसे हिलाते भी रहें। अब हम प्याज को देखते हैं, कितने बढ़िया तरीके से प्याज बनकर तैयार हो चुके हैं। अब प्याज भी हम एक कटोरी में सर्व करेंगे। करेले को हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया है और इधर से प्याज भी हमने एक कटोरी में सर्व कर लिया। देखो प्याज और करेले कितने अच्छे तरीके से पक कर तैयार हो चुके हैं। अगर आप इस तरीके से करेलों को बनाते हैं तो करेले हैं जो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी और करारे करेले बनेंगे। और करेले को जब हम रोटी के साथ खाते हैं और साथ में लस्सी या दही हो तो खाने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो आप इस तरीके से करेले बनाएं, करेले हैं जो वो स्वादिष्ट और टेस्टी बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं कड़वे बनेंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो प्याज और करेले की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आप करेले किस तरीके से बनाते हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। करेले की जो ये रेसिपी मैंने तैयार की है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।